नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और शाम का समय हो गया 4:30 बज के और हम दोनों माँ बेटे हो गए हैं तैयार। तो हम जा रहे हैं घूमने के लिए, है ना, घूमने जा रहे हैं ना। और हाँ, हनु के घर भी तो घूमने ही जा रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, तो मैं और कृष्णा जा रहे हैं वहाँ पे और और कृष्णा की जो आपको पता गुड्डू की चाची आती है जो, उनके पास जाएंगे हम और मिलने जाएंगे, क्योंकि उनकी हो रही थी तबीयत खराब। मैं कहा चलो देख आऊँ, कई दिन हो गए मेरे से बिन जाया गया, पता तो मुझे चल गया था। तो उनका बेटा कृष्णा के जितना, तो मैंने सोचा चलो कृष्णा को भी लेती जाऊँ, ये भी खेल लगा उनके साथ, है ना। और पीयू और ना ईशु और ही गई हुई है ट्यूशन, देखती हूँ उनसे भी मिलकर जाऊँगी। ट्यूशन कहाँ जा रही वो बताऊँगी आपको। रुक जा बेटा कृष्णा आली में, रुक जा इधर आ पहले मेरे पास, एक मिनट इधर आ। उसका तो पप्पी दिख गया, दरवाजा खुल रहा था, वो वहाँ जा लिया। और गुड्डू लेट रही है अभी, क्योंकि वो उधर गई हुई थी अपने चाचू के साथ दोपहर के टाइम, तो अभी आई है। आगे वो लेट गई, मैं कहा चल लेट जा कोई बात नहीं, क्या तो मैं उसे भी रही थी, मैं कहा चल तू भी, तो वो ना कर दिया कि वो जाती नहीं कहीं पर, बिन जाती ना कर देती है। तो अब मैं जाती हूँ, मैं और कृष्णा, कृष्णा जा लिया बाहर डॉगी को देखने, क्योंकि दरवाजा खुल रहा था और वो जा लिया होगा, पता नहीं, देखना पड़ेगा। तो जी हम आ गए थे वहाँ से घूम फिर के, मैं और कृष्णा, एक डेढ़ घंटा लग गया। फिर मैं ये सुअर को भी ले आई ट्यूशन से। और क्या कृष्णा ने क्या करा, आते आते नाली में गिर गया, और एक बार नहीं गिरा, तीन बार गिरा। अरे सब मैं रोक को गई, भागो गया और मैं रोक को गई, भागो गया, डब दे के गिरा। अब बता मैं कैसे पकड़ती इतनी दूर तक, इसने मेरा हाथ नहीं पकड़ा, इसलिए आज के बाद इसे अपनी साथ नहीं लेकर जाने की, ठीक है। और अब बस मैं बनाने लगी हूँ खाना, आके मैंने चाय चुए अभी पी ली। खाने में आज बनेगी आलू प्याज की सब्जी, जो हरी प्याज में लेके आई थी, तो ये प्याज मुझे कम लग रही, मैंने दो तीन दिन में ये काट कर डाल ली, जो लाल वाली प्याज है वो, और ये काट ली, और ये काट लिया आलू। आलू मुझे थोड़े ज्यादा लग रहे, कम डालूंगी। तो यहाँ बस मैं लगा देती हूँ तड़का और रोटी बनाऊंगी, क्योंकि भूख लग रही है सबको आज। फ्रेंड्स आपको बता दूं, खाना देखिए तैयार हो गया, सब्जी मैंने बना के तैयार कर दी, आटा लगा दिया और रोटी बनानी रह गई। और इधर देखिए इनकी चल गया दावत, बाहर आ गए थे गोलगप्पे वाले भैया, और वे सच में बहुत टेस्टी गोलगप्पे लाते हैं, और यहाँ ये सारे के सारे लग गए। और गुड्डू को उनके पसंद है गोलगप्पे दही वाले, गुड्डू ने लिए दही वाले, ये वाले, ये पानी वाले नहीं खाती है, ये वाले खाती है। और ये खाती, ये सारे खा रहे पानी वाले। अरे इसने उसका बेचारे का दिमाग चला दिया, पानी पतासे वालों का कृष्णा, तू क्या मिर्च वाले थे, दही वाले थे, फिर तू क्या, अरे दही मिर्च वाले नहीं, मैं तो पानी वाले मिर्च के मांग रहा। मुझे आजकल ज्यादा मिर्च खाने की हॉबी लग रही है, नुके फहमी पता नहीं क्या हो भी गया था, फहमी गया था, कटोरी में डाल लो, मेरे लिए भी छोड़ दियो एक अद्धा, चल खा लो तुम, मेरा तो गला दुखेगा जब मैं खा लूंगी। तो यहाँ इनकी दावत चल गई और रोटी की मेरी तैयारी, जब खाऊंगे मैं सेक दूंगी बस, अभी तो इनका पेट पूजा होगी थोड़ी सी, है ना, होगी ना इस। अरे इसको पता क्या कह रही, मेरे लिए तो आट ले लियो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब, ऐसा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखिए दोस्तों, सुबह का टाइम है और 7:30 बज गए, ईशू होगी तैयार स्कूल में जाने के लिए, इसका एग्ज़ाम है आज, पेपर है इसका। और नाश्ता वगैरह बना दिया, आज सुने लंच से लेके जाना, लंच में लेके जा गई है आज बिस्कुट, है आज बिस्कुट लेके गई जाएगी लंच में। और फटाफट हम भी हो गए तैयार, इसे बस में छोड़ गए, हम परे ही घूमने के लिए निकल जाएंगे, यही रूटीन चल रहा हमारा ज़्यादातर। अब जा, अगर बच्चे जावें जिस दिन, तो हम उन्हें बिठा के बस में फिर हम घूमने के लिए चले जाना ही, तो फिर हम 7:30 6:30 से लगभग निकल जाएं घूमने के लिए, एक घंटे में आ जाओ वापस। हाँ, एक घंटा लग जा पूरा, लगभग 2-3 किलोमीटर पड़ जा पूरा, हमें घूमना है, दो तो पड़ी जा, ज्यादा ही चाहिए। और जिस दिन तक घूमने गई ना मेरी नजर ना लगे, उस दिन तक इसका बीपी नहीं बढ़ा, उस दिन तक बीपी बिल्कुल नॉर्मल है और दवा नहीं ले रही, ये है बात।
घूमना बहुत जरूरी है। मेरा ये है कि अगर मैं जाती रहूंगी ना कंटिन्यू तो ठीक है, अब जो बीच में रुकी फिर रुकी जाएगी। अब तो मान लीजिए जिस दिन बच्चे नहीं जाते ना स्कूल में तो यार मुझे ही ठा दे, चलो बस चलो। अन्नी भाई से ठा ठा का परेशान हो लिया था। चल बेटा छोड़ दी, एक रोटी दी थी से वो अभी छोड़ दी इसने। स्पेशल रोटी खा लो सा थोड़ी सी रहेगी। और आज इशू के दो पेपर है ना, दो है हाँ, एक ड्राइंग का एक जीके का, और एक पेपर हो रह जाएगा बस। कैसी तैयारी है तेरी? तैयारी पेपर कहेगा लेकिन सीख तो कुछ और ही रही, तैयारी तो इसकी गए और की चलती है। पेपर तो इसका जीके का ड्राइंग का आ जाओगे फिर लेट लेट हो जाएंगे नहीं तो। सो फ्रेंड्स नहा धो के सब हो लिए तैयार, 9:15 बजने वाले, और घूम फिर के आ गए थे हम, नहा धो लिए, पूजा पाठ कर ली, मैंने भी कर लिया, आसू ने भी कर ली, और कन्हैया नहाने की तैयारी में है, और नाश्ता पानी बना दिया आसू ने। क्या बना दिया ब्रेकफास्ट में? रोटी बना ली मैं तो सब्जी तो रात वाली रखी थी, आलू प्याज की बनाई थी, फिर पानी पता से खा लिया था, फिर रोटियों की तो आज थी नहीं था रखी सी कभी, फॉर्मेलिटी पूरी करी थी फिर रात रोटी खाने की, और रात का नहीं आगे भी तबीयत खराब हो गई थी उसने भी नहीं खाई रोटी, और ये रखी सब्जी, सब्जी में कर दी गर्म, रोटी सेक ली बस। चल फटाफट बना दे, आज तो लेट हो गया ऑफिस के लिए, मैं 15 मिनट लेट हो गया। आज भाई छोटू आ रहा, आसू का छोटा भाई आल लग रहा, और वो रास्ते में लगभग 1 घंटे में पहुंच जाएगा। आज सारे ही एक्साइटेड हैं हम, बहुत खुशी है हमें, कोई भी रिश्तेदार जब आए ना तो अलग ही खुशी रहे हमें। नहीं बना दस कभी, चाहे आटा रख दिया साथ साथ बना दिया, पूछ लिया बुआ जी ने नाश्ता बना दिया था, मैं कर लिया बस, तो फिर तो दोपहर के लिए, सब तो दोपहर के लिए, दोपहर को कुछ स्पेशल बना दे आज, पनीर कड़ी बनाऊंगी आज। नहीं अरे पनीर पनीर बढ़िया नहीं लगता, पनीर ओरिजिनल नहीं मिलता, बढ़िया तो लगे, कड़ी कुड़ी बढ़िया नहीं लगती, लस्सी लस्सी ओरिजिनल हो तो बढ़िया लगे, ओरिजिनल ही है घर की तो है, फसगी फसगी हां गांव वाली तो लस्सी रखी हुआ पी तो गई, उसकी कड़ी बनवा लूंगा कि वेस्ट हो, हम पी लेंगे हाँ, 3 दिन तो हो गए रखी हुई। चल बना दो तो है, अपने पापा ला जल्दी लाइए बेटा खाना ला। तो फ्रेंड्स नाश्ता हमारा हो गया है, और किचन अभी मैंने नहीं समेटी, किचन में बाद में करूंगी, और रूम दोनों गुड्डू ने कर दिए हैं, अच्छी तरीके से दिखा दूँ आपको, बिल्कुल सेट कर दिए, क्योंकि गुड्डू का पता ही आजकल वो घर में ही है, काफी हेल्प करा देती है मेरे काम में, मशीन भी उसी ने ही लगाई जब मैं नाश्ता बना रही थी, तो यहाँ पे देखिए इसमें सेट कर दिया, ये लग रही है हो गया क्या दोनों कमरे, और उधर वाला रूम भी इसने कर दिया अच्छे से सेट, मैंने इसको बोल दिया मम्मा बेटे जल्दी जल्दी करवा देते, मम्मा जी आने वाले फिर अच्छा लगता, क्योंकि सुबह ही सुबह तो देखिए ऐसे ही फैला रहता है, तो ये वाला भी पूरा अच्छे से इसने कर दिया। अब बारी आ गई है बाहर की, ये रह गया यहाँ का, ये देखो कैसा हो रहा, तो इसे भी मैं सेट कर दूँ, कई दिन हो गए या हुआ नहीं मेरे से, तो यहाँ पे भी मैं लग के किचन में बाद में करूँगी, और ये सारा पहले इधर का एरिया सेट कर दूँ, और इधर मेरी मशीन भी लगी है, कपड़े भी मुझे आज धोने, तो मशीन लगा दी है गुड्डू ने, और कपड़े जितने डालने थे डाल दिए, अब वो भी धुलते रहेंगे, और इधर काम भी होता रहेगा, तो मैं यहाँ पे करवा देती हूँ। तो यहाँ देखिए जी लग गई हूँ मैं बाहर वाला पोर्शन सेट करने में, क्योंकि कई दिन हो गए ये मेरे साथ सेट नहीं हुआ, असल में बस मैं सुबह के टाइम सोचती हूँ कि आंटी आ जाएगी साफ सफाई हो जाएगी तब जाके मैं कर दूंगी, लेकिन बाद में थोड़ा सा काम ज्यादा हो जाता है, फिर दोपहर जाऊंगी फिर लगता है चल कोई नहीं बाद में कर लूंगी, और मैट भी मैंने सुखा के झाड़ के रखी हुई थी ऊपर तय करके, तो वो मैट भी मेरी बिछाई कई दिन हो गए, तो मैंने सोचा नहीं चलो आज तो सेट करती हूँ, जैसे भाई के आने का
है कि भाई आएगा मगर थोड़ा अच्छा सा लगेगा जब कोई आता है और थोड़ा सा बहाना सब मिल जाता है और कुछ हम स्पेशल सा करते हैं उसके लिए तो अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पे देखिए आंटी तो अभी आई नहीं थी, 9 ही बजे थे लगभग, तो मैंने सोचा चलो जब आंटी आएगी, 9 साढ़े 9 ही बजे थे, मतलब नाश्ता वगैरह हो गया था, मगर जब आंटी आएगी, जब आएगी तब तक मैं अपना इधर वाला पोर्शन साफ करके अच्छे से सेट कर दूंगी, क्योंकि अभी काम भी पड़ा था, फिर यही हो जाता है। तो यहाँ मैं और गुड्डू दोनों लग गए हैं, गुड्डू मेरी काफी हेल्प कराती है, अब तो जैसा वो भी घर में ही तो करा देती है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने इधर वाला सारा सामान उठा लिया है और लगा दी झाड़ू, और फिर पोचा भी लगा दिया वाइपर से ही। वैसे तो एक बार झाड़ू मैं सुबह ही लगा देती हूँ उठ के, पूरे घर में सुबह ही सबसे पहला मेरा काम यही होता है। तो यहाँ पे गुड्डू को मैंने बोल दिया जो चेयर है टेबल है वो सब चीजों पे अच्छी तरीके से कपड़ा मार दे, तो वो लग रही है देखिए करने के लिए, वो क्लीनिंग अंदर जो डोर वगैरह है सारे बेड बूड सब पे मारेगी, उसको मैंने बोल दिया। और यहाँ पे थोड़ा सा मुझे करना है चेंज ये सीट सी वगैरह रख के, तो यहाँ देखे मेरा काम बढ़ गया, जैसा ही मैं ये सीट ये बैठने वाली है इसको सरकाने लगी तो इसमें क्या हुआ, ये पर्दा दब गया और वो पाइप ऊपर से गिर गया। तो सबसे बड़ी बात तो क्या हुई यहाँ पे, मेरा ऊपर ये पाइप गिरने से बच गया, मेरा सर में लग जाता कि भारी है पाइप काफी, लेकिन वो जैसा पर्दा दबाना मुझे पता नहीं चला, जब मैं सरकारी थी तो वो एकदम से झटका लग गया तो पाइप गिर गया, लोहे का है। तो खैर जी जैसे भी बच गई मैं, ये हुआ। तो यहाँ पे फिर वो पाइप निकल गया था, तो यहाँ पे दोनों माँ बेटी इसको लगाने में लग गई है, गुड्डू भी देखे मेरी हेल्प करा रही है, एक साइड से उसने पकड़ लिया एक साइड से मैंने, हमने एक बार लगा भी दिया पाइप, फिर क्या हुआ उसमें देखा कि कुछ ये पर्दा है इसके कुछ रिंग्स निकल गए थे, तो फिर दोबारा उतारा, फिर दोबारा जाके उसको अच्छे से सेट करा। तो यहाँ पे देखिए लगा दिया है पर्दा, यहाँ जो ये विंडो इसमें ना जो एक्स्ट्रा सामान होता है पर्दे के पीछे रखा रहता है, तो काफी सामान ऐसा होता है कि हम यूज करते हैं रख देते हैं, तो मैंने सोचा चलो साथ साथ इसको भी अच्छे से क्लीन कर दूं, जो सामान नहीं यूज होता उसको उठा के रख देती हूँ, जैसा ये छोटे वाला वो है ट्राईपोर्ट है और ये स्टीम वगैरह की मशीन थी, ये स्टीम लेते रहते थे जब तबीयत खराब थी, तो वो भी मैंने सब उठा के रख दिया है जो भी एक्स्ट्रा सामान है, और फिर थोड़ा सा जगह कहीं मिलती है तो ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे अच्छी तरीके से ये विंडो भी साफ कर दी, सेट कर दी। अब बारी आ गई है इसकी सीट्स की, सेट्टी बोलते हैं इसको। तो आप बोल रहे थे कि इस पर कवर लगा दो, तो इसका कवर है काफी पहला है बना हुआ, तो मैंने सोचा चलो वही मैं आज इसको लगा देती हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे चेंज सा भी हो जाएगा और सेटिंग सी भी अच्छे से हो जाएगी। तो वो सीट सी मैंने लगा दी, इधर निकाल दी, और अब जो ये मैट है, मैट मैंने सुखाई थी वो अच्छी तरीके से फैला दूंगी, इसके मंदिर के नीचे दब जाती है ना, फिर इसका सरकने का डर नहीं रहता। दूसरी बात यह है कि पूजा भी इस पे आराम से हो जाती है बैठ के। तो यहाँ पे देखिए मंदिर के सामने मैंने मैट डाल दिया है, और इसको इधर बेड के नीचे कर दूंगी एक्स्ट्रा जितनी भी है, काफी लंबी है ये मैट, तो ये पूरी अच्छे से आ जाती है। और आप देख रहे होंगे मैं लेके आई थी एक पेंटिंग, अंदर लग रही थी ये थी गणपति महाराज जी की थी ये मूर्ति, अंदर रूम में लगी हुई थी, तो वो मैं लेके आ गई हूँ बाहर, दूसरी साइड मैंने लगा दी, बल्कि वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, मेरे याद नहीं रहा अभी दिखाना आपको, वो मैंने ऐसे ही लगा दी लाके। वो कई दिन से मैं सोच रही थी कि इधर की साइड मैं इसको लगाऊंगी, दूसरी साइड इधर जिधर से टीवी उतारा था कुछ नहीं लग रहा था ना, तो वहां पे वो कील लगी हुई थी, मैंने वो लगा दी है। तो इधर देखिए ये कवर सीट के ऊपर डाल दिया मैंने, ये इसका बना हुआ, मैं सोच रही हूँ कि दूसरा बनाऊंगी, देखती हूँ कोई थोड़ा सा कपड़ा ऐसा मिलेगा मुझे जो अच्छा लगे इसके ऊपर डल के उसका बनाऊंगी, तो अभी मैंने ये डाल दिया। तो इधर बैठने का हो गया, पहले मैं सोच रही थी कि ये सीट उरली साइड कर दूं टेबल से इधर, लेकिन फिर सोचा कि ये भारी भी बहुत है, इधर उधर सरकानी मुश्किल है, इधर मैं बस चेयर रख दूंगी जिससे कि वो उठाने रखने में सफाई करने में ईजी हो जाए। तो यहाँ पे देखिए टेबल बीच में कर दिया है, और गुड्डू कर रही है मंदिर की सफाई, जो मंदिर के ऊपर सामान रखा था वो सारा सेट कर देगी साफ करके, और बाकी ये पोट वगैरह टेबल पर रख दिया उसने, और इधर मैंने बेड शीट कर दिया है सेट, मतलब बेड शीट चेंज कर दी और दूसरी बिछा दी, तो पूरा बेड करके सेट कर दूंगी। और ये देखिए नया सा लुक निकल के आया, थोड़ा सा चेंज करते रहो, चाहे थोड़ा सा भी करो उससे भी बहुत अच्छा लगता है, एक नया सा लुक निकल के आता है। तो यहाँ पे देखिए पूरे जोरों से चल रही है भाई के आने की तैयारी, उसकी खुशी में देखिए मैंने पूरा घर अपना सजा दिया अच्छे से, तो रूम वगैरह क्लीन हो गए। ऑफिस मैंने सुबह ही कर दिया था जो बाल बार वाला, उसमें तो मैं सुबह झाड़ू पोछा कर देती हूँ नहाने से पहले। तो ये देखिए मैंने चेयर भी लगा दी, तो ये हमारा एक रूम तैयार हो गया।
अभी यानी टेंशन रहने की, झाड़ू पोछा भी करना क्योंकि मैंने कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए पूरा रूम सेट हो गया। आप कमेंट करके जरूर बताना आपको ये कैसा लगा। देखिए जी हमारा ये ड्राइंग रूम तैयार हो गया। मैंने सेट कर दिया अच्छे से और सीट सी भी लगा दी और ये चेयर भी, जैसा कोई बैठे यहाँ पे आराम से बैठ सके। तो ये हो गया तैयार और